बहुत मज़ा आया है और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर, बहुत इन्जॉय किया इस मैच को। इट वॉज द हाइएस्ट टारगेट एंड इट इज चेज बाय पाकिस्तान टीम। मतलब मज़ा आया मैच के अंदर। बाबर आजम की रोज सेंचुरी देखते हैं, 50 देखते हैं, वो बाबर आजम मारे या ना मारे उसके हम आदि हो गए स्कोर का। जो खुद दिल जान है हमारे दिल खुश कर गया। खास अरसे के बाद 14 साल के बाद मुल्तान के अंदर इस तरीके से बड़े पैमाने पे हमें दोस्तों के साथ जो है वो इन नेशनल हीरोज़ को देखने का जो है वो मौका मिला और बड़ा हल्ला गुल्ला भी किया और इसके साथ एक सॉफ्ट मैसेज जो है वो भी पाकिस्तान का दुनिया भर में गया। क्राउड की एनर्जी बहुत कमाल थी, जो आखिरी छक्का लगा उससे तो मज़ा ही आ गया। पाकिस्तान जीता है, पाकिस्तानियों को मुबारकबाद और हमें बहुत खुशी हुई है। दूसरी टीमें भी आएंगी तो हम लाजमी देखने के लिए आएंगे। मुल्तान आज क्राउड फुल था, ग्राउंड फुल था, हमें बहुत खुशी हुई है। हम पहली बार इस वक्त लाइव देखने के लिए, मैच बराह रास्त देखने के लिए हमें मौका मिला है, क्योंकि जो 16 साल पहले हुआ था उस वक्त तो हम बच्चे थे, लेकिन अब जो मैच हम मुल्तान स्टेडियम में देख रहे हैं, जोश व खरोश जो जनूबी पंजाब से आया है लोगों का, शहरियों का, शायकीन का, क्रिकेट लवर्स का, वो बहुत जीतनी है देखने वाला है। तमाम दुनिया को पैगाम दिया जाता है पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और यहाँ क्रिकेट को फ़रोग दिया जाता है, क्रिकेट खेलने वालों को इज्जत दी जाती है और क्रिकेट को फ़रोग देने वालों को इज्जत दी जाती है।